मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा का कालशेखर अस्पताल सील कर दिया गया है क्योंकि यहां एक कर्मचारी को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, मगर अब कालशेखर अस्पताल के 110 डायलिसिस के मरीजों के सामने सबसे बड़ी संकट खड़ी हो गई कि अब इस लॉकडाउन में वो कहां और अब किस अस्पताल में जाएं, क्योंकि उन्हें हर हाल में डायलिसिस करना ही है। ऐसे में अब कालशेखर अस्पताल के 110 मरीजों के लिए आनंद कोलीवाड़ा स्थित बुरहानी अस्पताल में मरीजों के डायलिसिस का बंदोबस्त किया जा रहा है। बुरहानी अस्पताल में 3 डायलिसिस की मशीन थी, मगर अब एक मशीन महिला संघर्ष की तरफ से रूता अभाट ने पहुंचाई है। 4 मशीनों के जरिए कल से कालशेखर अस्पताल के 110 मरीजों की डायलिसिस किया जाएगा। वहीं शानू पठान ने बताया है कि अभी 2 डायलिसिस मशीन और बुरहानी अस्पताल में पहुंचाई जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डायलिसिस की जाए। वहीं बुरहानी अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि हमारे पास अब 4 मशीन हो गई है और सिर्फ टेक्नीशियन की कमी है, मगर उसका भी प्रबंध किया जा रहा है, एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के डायलिसिस किया जा सके। वहीं शानू पठान ने मुंब्रा शहर में एम्बुलेंस ना होने पर भी कहा है कि जल्द ही 2 एम्बुलेंस आम जनता के लिए मुंब्रा शहर में मुहैया कराई जाएगी, मगर बुरहानी अस्पताल में जो 110 मरीजों के डायलिसिस किए जाएंगे उनके बारे में जब पूछा गया कि क्या उनसे कोई चार्ज लिया जाएगा, तो फिलहाल डॉक्टरों ने जवाब दिया है कि अभी जो स्थिति चल रही है उसमें पैसा लेने की बात ही नहीं बनती है और इस पर बाद में विचार किया जाएगा। कितनी डायलिसिस मशीन यहाँ पर पहुँचाएगी? देखिए, अभी हाल ही में यहाँ पर ऑलरेडी 3 डायलिसिस मशीन है और 1 डायलिसिस मशीन यहाँ पे आ गई वीरेंद्र मन मध्य डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब और खासतौर से रूता मैडम। हम लोग सब रात भर से मोदी डॉक्टर से बात करिए, उन्होंने प्राइम से बात करिए, कई जगह से बात करिए और वो डायलिसिस मशीन अभी एक यहाँ पे बुरहानी में लाए गए। हमारे साथ में यहाँ पे बुरहानी की पूरी ट्रीटमेंट टीम में डॉक्टर है जिन्होंने बहुत सहयोग किया और यहाँ पर बैठ कर इंतजाम करके डायलिसिस को शुरू करने की आज शाम से कल मॉर्निंग से शुरू हो जाएगी। सानू भाई, डायलिसिस के लिए आप लोग ने यहाँ बंदोबस्त किए, लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो टीवी के हैं और भी अलग तरीके से कलमा जाने के लिए उन्हें काफ़ी तकलीफ हो रही, तो शहर में ऐसे क्या एक भी एम्बुलेंस नहीं है कि जो उन्हें लेकर जाए, क्योंकि पुलिस ऑटो रिक्शा से जाने नहीं दे रही है? एम्बुलेंस अवेलेबल है, लेकिन एम्बुलेंस क्या होता है, फायर ब्रिगेड पे, देखिए फायर ब्रिगेड पे एम्बुलेंस है, कौसा के अंदर एक एम्बुलेंस खड़ी खासे करके बस थी। एम्बुलेंस के पेशेंट कैसे, कोविड के पेशेंट जाने की वजह से एम्बुलेंस हम दूसरे पेशेंट को क्यों नहीं यूज़ कर सकते जब तक वो सैनिटाइजर नहीं होते? हमारे पास ये भी दिक्कत है, हम कोविड को जब पेशेंट को शिफ्ट करते तो प्रॉब्लम ये हो गई कि कोविड के पेशेंट को और उनके परिवार को हम जब उधर भेजते, हाँ भाईंदर कोविड रोडा में भेजते, उसके जब बात के बाद हमको वो एम्बुलेंस सैनिटाइजर करना पड़ रहा है, ये दिक्कत हमारे को। हॉस्पिटल क्यों नहीं एम्बुलेंस जा रही, जो टीबी के मरीज हैं उनको दवा की आती आवश्यक ज़रूरत है, उन्हें कलवा हॉस्पिटल पहुंचना है, लेकिन ऑटो रिक्शा में जा नहीं सकते, क्यों ना जो है पर्सनल एम्बुलेंस रखी जाए कि जो ऐसे मरीज है उन्हें पहुंचाने का काम किया जाए? एम्बुलेंस है, हम एम्बुलेंस और बढ़ाने के लिए बात किए कमिश्नर साहब से और कवर साहब ने बात की, कल तक एम्बुलेंस और बढ़ना चाहिए। कितनी एम्बुलेंस बढ़ेगी? 2 एम्बुलेंस और रखेंगे और जो ये दूसरे पेशेंट को रहे, हमारा ये देखा रहे कि हम ये 2 एम्बुलेंस जो है वो सिर्फ नॉर्मल पेशेंट को ही लेके जाए, इसकी सुविधा कर रहे हैं। हमारे पास सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो डायलिसिस की थी, जो डायलिसिस के 110 पेशेंट जो खालसेकर से हट गए थे उनके जान की बात थी, जो मीडिया ने भी उसके लिए आगे आई और इसी ने खासतौर से आप रूता मैडम ने जो दिन रात इसके लिए लगे रही और बुरहानी के डॉक्टरों की टीम के साथ बात कर प्राइम की मशीन यहाँ पे लाए, हम टेक्नीशियन का इंतजाम करके यहाँ पे 2 मशीन और लाएंगे जिससे हफ्ते के अंदर लगभग 150 लोग डायलिसिस कर सकेंगे। 2 मशीन जो लाने की आप बात कर रहे हैं, ये 2 मशीन आप कब लाएंगे? 1 मशीन आ गई और 1 मशीन कल तक आ जाएगी। सिर्फ बुरहानी हॉस्पिटल के में रहेगी कि और दूसरे? नहीं, अभी हमने बुरहानी के जो डॉक्टर लोग हैं उनके मैनेजमेंट ने हमको सहयोग किया है, वो यहाँ पे उनकी जो टेक्नीशियन है वो बेचारी 22 घंटा काम कर रही है और टेक्नीशियन लाके लगभग 150 पेशेंट एक हफ्ते में हम कर सकते हैं, जिससे हमारे 110 पेशेंट हैं जो आधे पेशेंट शिवाजी में शिफ्ट करें और आधे यहाँ और रहमानी में करने से राहत मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, अभी पुरानी हॉस्पिटल में फिलहाल कितने डायलिसिस की मशीन? हमारे पास फिलहाल 3 मशीन है जो हमारी ओरिजिनल है,
अभी हम लोगों ने चालू महीने में एक मशीन का और अरेंजमेंट करवाया है, तो अभी फिलहाल टोटल हमारे पास चार मशीन। तो कितने एक दिन में जो है यहाँ पर कितने डायलिसिस जो है किए जा सकते हैं? एक टेक्नीशियन की अवेलेबिलिटी से सिर्फ 8 पेशेंट्स हो सकते थे, अब टेक्नीशियंस और करवा रहे हैं हम, सो दैट दिन में जो है वो अराउंड आपके जो है 24 पेशेंट आसपास हो सकते हैं एक दिन। हमने यहाँ पे सारी सहूलत कराने की कोशिश की है, बट अब जैसे कि बाहर का माहौल है, जो टेक्नीशियंस ऑलरेडी अंडर सर्विलेंस है उनको हम ले नहीं सकते हैं, टेक्नीशियंस की अवेलेबिलिटी है नहीं, हम कहीं और से सोर्स ट्राई करके, और शाम प्रधान सर हेल्प कर रहे हैं, हम उनकी सोर्स से कहीं से ट्राई करके टेक्नीशियंस और बढ़ाने के लिए, और रुका मैडम जो है वो काफ़ी मेहनत कर रही हैं। कितना चार्ज होगा जो पेशेंट आएंगे डायलिसिस करेंगे? सर अभी हमने कुछ डिसाइड नहीं किया, सहूलियत में है अभी फिलहाल है उनको सर्विसेज प्रोवाइड करना जो डेस्परेशन है, पहला पैसे की बात बाद में हो जाएगी, हमारा पहला मुद्दा है कि उनकी हम लोग अभी फिलहाल सर्विस प्रोवाइड करें, चार्जेस का कोई इशू नहीं है फिलहाल, जो कंडीशन है उसमें हम भी समझते हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं है, वो अभी कोई भी फिक्स नहीं रहेगा, जैसी अवेलेबिलिटी होगी उस हिसाब से हम उनको चार्ज करेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।